हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत सारे लोगों का पबजी नहीं चल रहा है, ग्लोबल वर्जन जो है वो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है। तो वो पबजी को कैसे चलाएं, इंस्टॉल कैसे करें, और वो पुराना वाला तो वो बिना वीपीएन के खुलता नहीं है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि अपना पबजी ग्लोबल विदाउट वीपीएन कैसे चलाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगी मीडिया फायर की। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। 600 MB कुछ का ऐप है, 613 MB का। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही आराम से ये पबजी मोबाइल इंस्टॉल हो जाएगा आपके में। चलो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको सीधे डायरेक्ट ओपन करिए। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ये कहते हैं परमिशन रिक्वेस्ट मारेगा, इसको ओके करिए, इसको सबको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये फिर चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए मांगेगा। इसमें कहते हैं दो पैक आएंगे, एक 300 वाला, एक 1400। लो वाला मेरे पास तो वाईफाई था तो मैंने कर लिया इसको, हाई वाला आप लो वाला भी कर सकते हैं। ये पूरा 1.3 GB के आसपास पड़ेगा वो APK मिला के। इसको जल्दी से डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, अपडेट होने के बाद अगर आपके पास जियो की सिम है तो ये ओपन नहीं होगा। इसके लिए आप कह रहे थे दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लीजिए, किसी भी एयरटेल वोडाफोन सिम के। मेरे पास भी जी है तो मैंने ये देखिए, मैंने अपने दूसरे मोबाइल से कर लिया है कनेक्ट, हॉटस्पॉट करके अपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है मोबाइल में। उसके बाद डायरेक्ट आप अपना पबजी ओपन करिए बिना कोई VPN लगा के। अब ये पबजी ओपन हो रहा है मेरा। इसके बाद ये जो अपडेट अनाउंसमेंट है, इसको पूरा सबको एग्री करने के बाद, कट करने के बाद ये एग्री मांगेगा। इसके बाद सीधे आप अपना लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका पेज लॉगिन नहीं होता है, कहते वाईफाई से भी, तो आप कोई सा भी एक VPN लीजिए, फ्लाई VPN ले लेना। उसके बाद कोई सा भी इंडोनेशिया वगैरह कहीं पर भी लगा के सिर्फ इसको लॉगिन पेज तक रखें। कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज एक बार होने के बाद वो VPN हटा दें, फिर आपका हमेशा के लिए लॉगिन हो जाएगा, फिर VPN की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्प्लीट रिसोर्स पूरा होने के बाद आपका पबजी लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ग्लोबल वर्जन खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको माइक ग्लिच का प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपका पबजी ग्लोबल चालू करवा दिया है। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।